रेनी कॉस्मेटिक्स, ये है एक भारतीय मेकअप ब्रांड और इसकी को फाउंडर है आशिका गोराड़िया गोबल, हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही हैं शामिल, जो 16 साल की उम्र से लगातार टीवी शोज, टीवी सीरियल्स कर रही हैं। 10 साल तक उन्होंने एक एक्ट्रेस के तौर पर कई सारे सीरियल्स में काम किया, कई सारे बड़े रियलिटी शोज में रही हैं, नच बलिए, बिग बॉस और कई सारे ऐसे सीरियल्स, कुसुम, महाराणा प्रताप, बहुत सारे ऐसे हैं, हाँ, काफ़ी पॉपुलर सीरियल्स में उन्होंने काम किया, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पर दोनों ही जगह, और फेमिना पावर ब्रांड एंटरप्रेन्योर इंडिया जैसे कई सारे अवार्ड्स उन्हें मिले हैं, और एमी इंटरनेशनल में वो जूरी भी रही, और सबसे बड़ी बात यह है ये सारा करने के बाद वो एक बिजनेस वूमन बनी है और उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया है रेनी कॉस्मेटिक्स, जिसमें कई सारे बड़े प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड हैं और ये बिजनेस काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। आशिका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सबसे पहले आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपको भी अनिल जी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपसे इतने सालों बाद फिर से कनेक्ट करने के लिए, थैंक यू जी। क्योंकि आज इस खास मौके पर हमने आपको बुलाया है, और आप पहले अपनी एक्टिंग के लिए, फिर योगा के लिए, और उसके बाद अब बिजनेस के लिए जानी जाती है, तो जरा ये बताइए ये तीनों आपकी लाइफ में जो बदलाव हुए हैं, 1 से लेकर 30 तक, अब बिजनेस वुमेन तक, इसमें योग का कितना योगदान है? सर, योग का पूरा योगदान है, बिकॉज योगा इंटरनेशनल डे इसलिए मनाया जाता है ताकि बहुत सारे लोगों को अब ये पता चले दैट दिस इज अ वेरी इंटीग्रेट पार्ट ऑफ आवर लाइफ और हमें इस पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। आई थिंक जब आप प्रैक्टिस में, योगा में एक तरीके का सेंटर अचीव कर पाते हैं तो वो पूरी तरीके से आपके काम में रिफ्लेक्ट होता है, आप चाहे कोई भी प्रोफेशन में हो फिर वो आपके काम में रिफ्लेक्ट करता है। एंड आई थिंक मैंने वो नोटिस किया तभी भी जब मैं एक्टिंग करती थी, अब जब मैं अपना बिजनेस चला रही हूँ, हर एक चीज जो आप अपनी योगा मैट पे सीखते हैं, एक काम, हाउ टू वॉच योर ब्रेथ, यू नो, टू टेक रिस्क, टू टाइम एवरीथिंग, टू स्टे काम, आई थिंक ये सारे जो चीजें मैट पे सीखते हैं वो हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं काम में एब्सोल्युटली सिंक्रोनाइज करती है, और मेरे जीवन में योगा की वजह से सब कुछ है। ये तो बड़ी चीज है। अच्छा ये बताइए कि आमतौर पर जनरली हमारे दर्शक हैं वो इन्वेस्टर्स होते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, और सबसे ज्यादा स्ट्रेस में अगर हिंदुस्तान में कोई रहता है तो वही सबसे ज्यादा है, मतलब सिर्फ हमारे दर्शक नहीं, सारे इन्वेस्टर्स। तो ये बताइए कि क्या वाकई में कुछ ऐसी चीजें हैं योग में जो फिजिकल फिटनेस के साथ साथ थोड़ी हमारी मेंटल फिटनेस भी बढ़ा सके? सर बिल्कुल है, बिकॉज एक ऐसी चीज है जिस पे हम बिल्कुल एफर्ट नहीं करते हैं और उस पे हम ध्यान भी नहीं देते हैं क्योंकि हम कोई एफर्ट नहीं डालते हैं, वो है हमारी सांस। इट इज जस्ट अबाउट दैट कि कब आप कैसे अपनी ब्रेथ को, अपनी सांस को फोकस करना शुरू करें, उस पे ध्यान देना शुरू करें, एंड देन इफ यू कैन कंट्रोल एंड मैन्यूवर योर ब्रेथ, फिर हर किस्म का स्ट्रेस आई थिंक यू कैन मैन्यूवर एंड हैंडल। स्ट्रेस खत्म नहीं हो जाता है पर आप उसे कैसे हैंडल करें ये जरूर बदल जाएगा। इंटरेस्टिंग, तो कम से कम आपकी डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है वो थोड़ी इंप्रूव होगी, आप ज्यादा बेहतर, ज्यादा सोच समझ कर डिसीजन ले पाएंगे। आपका तो पैशन है इसलिए आप हर रोज काफी समय देती होगी योग करने के लिए, लेकिन आमतौर पर लोगों की शिकायत रहती है कि समय नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, तो क्या वाकई में योग के लिए बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत है, या फिर जिन लोगों को समय नहीं मिलता क्या काम के साथ साथ अपने प्रोफेशन, बिजनेस के साथ साथ भी कुछ किया जा सकता है जो हेल्थ को फिट रखे? जी बिल्कुल अनिल सर, बिकॉज सबसे बड़ी तो कमिटमेंट है, मेंटल कमिटमेंट है कि आप तैयार हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। इट डजंट मैटर कि आप 60 मिनट योगा कर रहे हैं, 90 मिनट योगा कर रहे हैं, बिल्कुल पूरा दिन योगा कर रहे हैं, व्हाट रियली मैटर्स इज रोज सुबह आप अपनी प्रैक्टिस के लिए प्रेजेंट होते हैं। आई थिंक इट्स जस्ट वेरी सिंपल, अगर आप प्रेजेंट हैं फिर टाइम डजंट मैटर, द क्वालिटी ऑफ द टाइम मैटर्स, एंड देन इवेंचुअली जो उससे फर्क पड़ता है, जो असर आप देखते हैं, आप बदलाव देखते हैं अपने आप में, आई थिंक दैट काइंड ऑफ मेक्स यू मोर डिलिजेंट टूवर्ड्स हाउ मच टाइम यू वॉन्ट टू गिव, बट शोइंग अप ऑन द मैट, शोइंग अप फॉर योर प्रैक्टिस, दैट इज एवरीथिंग। उसके लिए कैसे, मतलब मन कैसे बनाएं कि रोज ऐसा क्या हो जिससे कि हाँ आज उठ के योगा करना ही करना है, कुछ ऐसे कुछ एक दो टिप दीजिए ऐसी।
मैं वही कह रही हूँ ना सर कि सांस पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं, बिकॉज हमें जी कोई एफर्ट नहीं लगता है सांस लेने में. बट अगर हम इस बात पे फोकस करें कि एवरी थिंग इज सो इम्पोर्टेंट अराउंड अस एक्सेप्ट आवर सेल्व, सो बाद में ध्यान देने के लिए, हॉस्पिटल के लंबे लंबे बिल्स भरने के लिए आप तैयार रहते हैं मेंटली, बट आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप को समय देने के लिए अगर तैयार नहीं है, तो देन इट्स नॉट बैलेंस. एंड योगा इज अबाउट बैलेंस. अगर आपने ये बैलेंस फाइंड कर लिया कि आपका स्वास्थ्य, आपका काम, आपका परिवार, आपके सारे इमोशंस, अगर ये सब कुछ बैलेंस्ड है, तो देन लाइफ इज फुलफिल्ड. ये बात आपने अच्छी कही कि या तो आप अभी योग कर लीजिए या फिर बाद में बीमार पड़िए, हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करिए, हॉस्पिटल्स में समय बिताइए, बिल्स भरिए। ये शायद लोगों का है ना, वो या ये स्टॉप लॉस जो आपका ट्रिगर हो सकता है फ्यूचर में अगर आप ना करें तो, ये हमारे दर्शकों के लिए। अच्छा ये बताइए कि कैसे मतलब अभी भी आप बिजनेस के साथ साथ योग आसानी से दोनों कर लेती हैं? जी बिल्कुल कर लेती हूँ सर. आई थिंक जो करना चाहता है वो समय निकाल लेता है, मेरा यही मानना है, क्योंकि इस चीज का असर मुझ पे इतना ज्यादा है. बदलाव जिंदगी में हर 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 चीज में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, बिजनेस डीलिंग्स में, सब चीजों को समझने में जो एक ठहराव आता है, उसके आप इतने आदी हो जाते हैं. अगर आप इस ठहराव के आदी हो गए तो वो आप समय निकाल लेंगे. और मेरा ये है सर दैट आई हैव टू शो अप ऑन माई मैट, बिकॉज दैट इज वन कमिटमेंट जो मैंने अपने आप को दी है, अपनी मैट को दी, अपनी प्रैक्टिस को दी है, एंड दैट हैज टू कंटिन्यू. दैट इज अ कमिटमेंट यू गिव टू योर सेल्फ. कमिटमेंट होने की जरूरत है। अच्छा आज का आखिरी सवाल आपसे जाने से पहले कि आप इतनी जानी मानी टीवी एक्ट्रेस रही है, आपने हजारों एपिसोड्स किए हैं सीरियल्स में, योग में भी आपने बड़ी ऊंचाइयां छुई हैं, अब आप एज ए बिजनेस वूमेन भी आप बड़ा कमाल करें, व्हाट नेक्स्ट? और सर बस मैं चाहती हूँ कि रेने कॉस्मेटिक्स, जो आज इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेकअप कंपनी है, वो इंडिया की नंबर 1 मेकअप कंपनी बने. और वी वांट टू मेक प्रोफेशनल मेकअप वेरी वेरी इजी फॉर एवरीडे वुमन, ये मेरा गोल है. और बस इस राह पे मैं चल रही हूँ. ओके थैंक यू सो मच आशिका, और आपके इस एम्बिशन के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करें कि ऐसा ही हो, आपकी कंपनी इंडिया की नंबर 1 मेकअप ब्रांड बने, सबसे बड़ी कंपनी बने। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। थैंक यू. हैप्पी थैंक यू सो मच। इंटरनेशनल योगा डे टू ऑल द व्यूअर्स. थैंक यू।